यहाँ से तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्या वाइब आती होगी रहने की। गाइस गाड़ी चलाने में अलग ही एक फील आ रही है। यहाँ पे भी हमने आग जलाई हुई है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। बाहर का व्यू चेक करो, क्या प्यारा व्यू आ रहा है यार यहाँ से। भरोसा नहीं है फ्यूल पे। अभी ना जस्ट हम सो करके उठे हैं, टाइम हो रहा है लगभग, मुझे लग रहा है 12:30 बज रहे हैं। हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे, कोई हिम्मत नहीं थी, आकर के सीधा सो गए। सो करके अभी उठे हैं, चाय पिए और ये देख लो नहा धो के फ्रेश हो गए। अब यहाँ से निकलना भाई, जाना किधर आज? दूधपत्री। आज जाना दूधपत्री और बोल रहे हैं कैंप करना है। लो अभी हम यहाँ आपको व्यू बताते हैं। हम अपने फ्रेंड के घर पे आए थे, ये देख लो सुक्लाइन के घर पे। हेलो गाइस, ये है यहाँ की लोकेशन, ये चेक करो भाई घर, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और वो पीछे देखो पहाड़, उसी साइड से हम आए हैं। और अभी हम यहाँ से जाएंगे दूधपत्री और आगे का व्यू आपको बताएंगे। अभी हम निकल चुके हैं दूधपत्री के लिए और अभी हमने जस्ट जहाँ से टर्न लेते हैं गुलमर्ग के लिए एंटर करते हैं। तो यहाँ से आगे अभी 40 किलोमीटर दूर है। अभी हम मेन मार्केट मगम में पहुंच गए हैं, तो यहाँ से जाता ऊपर गुलमर्ग का रास्ता और हमने जाना इस साइड, क्योंकि दूधपत्री का रास्ता इस साइड से निकलता है। अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। सामने देख रहे हो बर्फीले पहाड़। इस बार बर्फ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पिछले साल थी, बट यहाँ पे ना ये खेत देखो कितने प्यारे हैं। और अभी भी हमें कम से कम यहाँ से ना 40-50 मिनट लगेंगे पहुंचने में। भाई नीचे का व्यू चेक करो, क्या प्यारा व्यू आ रहा है। और सामने पहाड़ देख रहे हो, बर्फीले पहाड़, और यहाँ पे ये यू टर्न्स, खुले मैदान ही मैदान है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैंप कहाँ पे लगाएंगे? लोग ना जून जुलाई में कैंप करते हैं और अपने भाई बोल रहे हैं कब कैंप करना है, आज। वो भी गल है आज दी। लाले उठ जा, पहुंच गए भाई, उठ जा भाई। वो दो भी बाहर गए थे आगे लेके सामान। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे। यार बड़ी नींद आई थी, ठंड भी बहुत ज्यादा है। हम पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे, चेक कर सकते हो सामने का व्यू कितना प्यारा है। और जगह का नाम है दूधपत्री। कम से कम हमें यहाँ पे आने में ना 1.5 घंटा लग गया, तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम कैंप किस साइड लगा सकते हैं। जहाँ पे गाड़ी भी अंदर जाएगी ना वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेफ होगा। A few moments later. किस जगह पे हमने लगाया यहाँ से देखो, फोन में तो वो चीज़ कैप्चर हो नहीं सकती जो रियल लाइफ में होती है, ठीक है। बट अब यहाँ का व्यू चेक करो, यहाँ पे कैंपिंग टेंट है, वहाँ पे गाड़ी है, सामने पहाड़ है, तो और कोई भी नहीं है यहाँ पे आसपास। यहाँ पे बारिश थोड़ी सारी रुक चुकी है, तो हम अंदर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और ये अब बाहर का व्यू चेक करो, क्या प्यारा व्यू आ रहा है यार यहाँ से। कई लोग होते हैं ना उनका ये ड्रीम होता है भाई। यहाँ पे भी हमने आग जलाई हुई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मौसम देखो ऊपर कैसा है। सो हेयर वी गो, टाइम हो चुका है सुबह के 6 बजने वाले हैं और वहाँ से होगा सनराइज। और मौसम देख रहे हो क्या प्यारा हो रहा है यार। और ये सामने का व्यू चेक करो भाई। मैं ना अभी जस्ट उठा था, गाड़ी में जाना था, मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था। गाड़ी देखो वो बाहर लगाई हुई है। पहले गाड़ी एक्चुअली हमने यहाँ पे लगाई थी, बट यहाँ पे फॉरेस्टर आए थे, उन्होंने बोला था ग्रीनरी खराब होती है, उसके चक्कर में गाड़ी आपको बाहर लगानी पड़ेगी। तो गाड़ी वहाँ लगा करके हम आ चुके थे। और ये चेक करो भाई, ये देख रहे हो, मतलब यहाँ से तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्या वाइब आती होगी रहने की। मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है। और अभी हम सब यहाँ से निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और पता कहाँ पे जा रहे हैं हम? ट्रैक पे, ट्रैक वो पार सामने जा रहे हैं गाइस, ट्रैक पे। सच्ची कुड़े दसा तेरे मखरे दा तोड़ दी वाश के बनाया सानू लाइटा दी लोर कुलिया ते हसा तेरा कुले मार जांदा ए नी सानू दस जांदा गल नन भी चलू होर ओ गप्परो नु बिलो केड़े चक्करा च। गाइस अभी हम यहां से निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है लगभग 7:30 हो रहे हैं। और बाहर का मौसम देखो, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ से निकलेंगे, सबसे पहले नीचे चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद फोन करेंगे चार्ज और फिर सीधा निकलेंगे श्रीनगर। ब्रो 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 मैं तेनू क्या सी ब्रो, ब्रो मैनू साइड दे दे ब्रो, ब्रो मैं नहीं चाहता यार मैं तेरे नाल कोई धक्का करा ब्रो। अच्छा गाइस ये घुल दे रहा आगे वाला, जाने नहीं दे रहा ब्रो, मुकाबले दी गल्लां छोड़ दे। गाइस गाड़ी में तेल है 1 पॉइंट और हमें चलाना है 30 किलोमीटर। गाड़ी चलेगी कि नहीं ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं है फ्यूल पे, ठीक है, भरोसा नहीं है। गाड़ी की रेंज है 20 किलोमीटर की, अब 30 में चलानी है, देखते हैं। अभी जाना, सबसे पहले हमें फ्यूल टैंक करवाना है फुल।
देन उसके बाद आगे का सोचेंगे क्या करना है। और यहाँ पे गाड़ी चलाने का क्या ही मजा आ रहा है। भाई 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 क्या ही मजा। ये चालक से गाइस जो मोड़ आ जाते हैं ना, अगर मैं हैंड ब्रेक उठा दूं कैसा होगा भाई? ऐसे मोड़ो ना, ऐसे मोड़ों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं, हैंड ब्रेक उठा दो, कोई सीन नहीं, देखा जाएगा जो होगा। गाइज अभी हम पहुंचे थे पेट्रोल पंप पे, और परसों जब हम आए थे तब गाड़ी का फ्यूल टैंक हुआ था 3309 रुपीस का फुल, आज 3370 का हुआ है। सो गाइज अभी हम यहां से निकल रहे हैं मागम से, जस्ट अभी हमने ब्रेकफास्ट करा और अब हम जा रहे हैं सीधा ऊपर पहाड़ों में गुलमर्ग वाली साइड। तो यहां से आगे निकलेंगे आई थिंक 35-40 किलोमीटर मुझे लग रहा है ऊपर। जी भैया ऑनलाइन चलेगा? ऑनलाइन भैया, ऑनलाइन ऑनलाइन गवर्नमेंट अकाउंट सर, हमारे पास तो कैश ही नहीं है। आप आगे कैश निकालो फिर वो आगे जाके काट लेना है। ठीक है, वहाँ पे भी इतना ही काट। ओके ओके ओके। सो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हम गुलमर्ग के लिए एंटर कर रहे हैं और ऊपर जाने के लिए आपको पता है यहाँ पे वो टू क्या देना पड़ता है, टैक्स वगैरह देना पड़ता है। ये गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, समझ नहीं आती है किस लिए लगाए हुए हैं। 50-50 रुपीस लेते हैं, 40-50 यही कुछ चल रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं टंगमर्ग में और अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है गुलमर्ग। गाइस गाड़ी चलाने में ना अलग ही एक फील आ रही है, ये आगे आ रहा है व्यू पॉइंट, क्योंकि लोग यहाँ पे ना खड़े होकर के फोटोज क्लिक करवाते हैं, क्यों करवाते हैं उसका रीजन हमें भी नहीं पता। भाई जगह अच्छी है तो करवाते हैं। तो रात को जो हमने आते हुए लेंगे ना, रात को जो हमने गाइस कैंप लगाया ना, वो एक्चुअल में हमें लगाना कोई नहीं था, क्योंकि हमें पता था ठंड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये जो पीछे बैठा हुआ था ना, इसने बोला था नहीं कैंप लगाना है तो मतलब लगाना है। बोला ये पीछे लगाओ, ये साथ में बैठे हुए हैं। पीछे से ना ऊपर लगभग 10 किलोमीटर आना पड़ता था, 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ चढ़ के सोच लो बंदा किस पहाड़ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे फिर उसके बाद हमें वापस श्रीनगर के लिए निकलना है, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ काम है।